अंशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक लगातार देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को गवा चुके हैं, वहीं दूसरी ही तरफ अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। उनके बेटे अमित ठाकरे को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है। चर्चा ये भी हुई कि अमित ठाकरे को बीजेपी अपनी तरफ लाकर उन्हें कोई शानदार पद दे सकती है या फिर राज ठाकरे बीजेपी से जुड़ सकते हैं। लेकिन बात की जाए यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बारे में, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद वह तमाम बड़े ऐलान कर रहे हैं और इन ऐलान के बीच देखने को मिल रहा है कि अमित ठाकरे लगातार अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है नई सरकार के बारे में, उद्धव ठाकरे के बारे में, शिवसेना के सांसद संजय राउत के बारे में और साथ ही साथ एनसीपी के बारे में, वह बखूबी जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, अमित ठाकरे जो महाराष्ट्र नव निर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष हैं और वह नासिक दौरे पर नजर आए और राज्य में छात्राओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पर भी वह गौर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अमित ठाकरे संवाददाताओं से बातचीत कर रहे हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं। अमित ठाकरे ने हाल ही में एक बयान दिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दस जानकारी के लिए आपको बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे छात्र संगठन के अध्यक्ष अमित ठाकरे ने आगामी चुनाव के मद्देनजर पिछले कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में जिस तरीके से दौरे की शुरुआत की है, इसके बीच वह लगातार कॉलेज के छात्राओं से बातचीत कर रहे हैं और इस बीच उन्होंने पुणे का दौरा किया और पुणे के दौरे के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि मैं संजय राउत की जगह नहीं ले रहा हूँ। इस तरीके से उन्होंने संजय राउत को लेकर ये बात कह दी। वह कहते हैं कि फिलहाल मैं राज्य का दौरा कर रहा हूं, मुख्य रूप से छात्रों के लिए यात्रा और छात्रों के साथ बातचीत। मैं उनके सवालों को जानने और उन्हें हल करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों को रोजगार आरक्षण और प्रतियोगी परीक्षा जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके से अमित ठाकरे ने अपनी बात कही। वहीं दूसरी ही तरफ उन्होंने इन तमाम समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन निकाला है। हर कॉलेज में मानवी की एक शाखा होनी चाहिए। मैं ये दौरा इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं छात्रों से जुड़ सकूं, जिससे कि मैं उनके साथ बातचीत कर सकूं। मौजूदा राजनीति को देखते हुए मैं कभी भी राजनीति में प्रवेश नहीं करता अगर मैं राज ठाकरे का बेटा नहीं होता। वह कहते हैं कि तमाम सवालों का जवाब देते हुए कि आप जहां हैं वहीं बोलें, खबर देनी चाहिए। इस तरीके से पत्रकार से भी उन्होंने बातचीत की। जब पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे, अमित ठाकरे कहते हैं कि संजय राउत सब कुछ प्रदान करते हैं ना, तो वह कहते हैं पत्रकारों से ये बातचीत करते हुए, तो वहीं पत्रकार ने उनसे कहा कि वह इस वक्त जेल में है। वह कहते हैं कि मैं संजय राउत की जगह नहीं ले रहा हूँ। इस तरीके से अमित ठाकरे ने बातचीत की और संजय राउत को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल देखा जाए अमित ठाकरे के इस कदम को काफी पसंद किया जा रहा है। जिस तरीके से वह छात्राओं की परेशानियों को सुन रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने युवा नेताओं के तौर पर जिस तरीके से मनसे में वह एंट्री कर सकते हैं उसको लेकर और साथ ही साथ समस्याओं को लेकर अपना मोबाइल नंबर भी उनको दिया है, जिससे कि वह तमाम मुद्दों पर बातचीत भी कर सकते हैं। अमित ठाकरे लगातार इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और वह काफी ज्यादा पसंद भी किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।